और 12वीं के छात्र अपने बोर्ड रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं झारखंड बोर्ड ने 2024 के 10वीं परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। रांची में स्थित JAC सभागार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट की घोषणा की गई। इसके साथ साथ टॉपर छात्रों के नाम, ओवरऑल कितने छात्र और छात्राएं पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, तमाम जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। इसके साथ ही रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है, जहां पर छात्र अपने रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन मार्कशीट चेक कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक झारखंड में 10वीं की परीक्षा में कुल 205,110 छात्र 54% के साथ फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हुए, जबकि 153,033 छात्र सेकंड डिवीजन के साथ पास हुए। वहीं 19,555 छात्र थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। इस बार परीक्षा में पिछले साल की ही तरह लड़कियों ने बाजी मारी है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में ज्योत्सना ज्योति ने 99.2% मार्क्स हासिल करके टॉप किया है, जबकि सना संजोरी 98.96% मार्क्स पाकर दूसरे स्थान पर रही। ज्योत्सना ज्योति इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय और सना संजोरी इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हाजिरबाग की स्टूडेंट है। इस साल झारखंड में 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 4.2 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। अगर पिछले 5 सालों के रिजल्ट की बात करें तो साल 2023 में 95.38% छात्र, साल 2022 में 91.19% छात्र, साल 2021 में 95.93% छात्र, वहीं साल 2019 में 70.77 छात्र और साल 2018 में 59.48% छात्र पास हुए थे। आपको बता दें कि कैंडिडेट्स जिन्होंने इस साल की 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। झारखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com है। इसके अलावा भी 3 और वेबसाइट्स हैं जिन पर नतीजे देख सकते हैं, jac.jharkhand.gov.in, jac.nic.in, jharresults.nic.in। आप इनमें से किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। अपना रिजल्ट ऑनलाइन वेबसाइट पर चेक करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, यानी कि jacresults.com पर या ऊपर दी गई किसी भी वेबसाइट पर। यहाँ रिजल्ट ऑफ एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 का नाम का लिंक दिया होगा, इस पर क्लिक करें। ऐसा करते ही नया पेज खुलेगा। इस पर आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने होंगे। इन्हें डालें और सबमिट कर दें। इतना करते ही नतीजे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख जाएंगे। यहां से इन्हें डाउनलोड कर लें। ऑफलाइन या फोन के मैसेज से रिजल्ट देखने के लिए आप सबसे पहले अपने फोन के मैसेज सेक्शन में जाएं। यहां टाइप करें JAC10 स्पेस दे और अपना रोल कोड टाइप करें, फिर स्पेस दे और टाइप करें अपना रोल नंबर और भेज दे 56263 पर। आपके रजिस्टर्ड नंबर पर कुछ ही देर में नतीजे आ जाएंगे। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का।